हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास में आपको हेलो एल्केन हमने एल्केन के थ्रू बनाना सिखाया था। आज की क्लास में हम आपको हेलो एल्केन एल्केन के थ्रू बनाना सिखाएंगे, ठीक है। एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए दो मेथड का यूज़ करते हैं। एक बार एल्केन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराना है और दूसरी बात एल्केन का रिएक्शन आपको हैलोजन के साथ कराना है, ठीक है। चलो आओ देखें रिएक्शन। एल्केन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करा के हेलो एल्केन बनाना है, इसी एल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ करा के हेलो एल्केन बनाना है, ठीक। हम क्या करते हैं, एल्केन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करा कर और उसके बाद तब हेलो एल्केन बनाते हैं। सपोज करो कि मेरे पास क्या है ना, कि मेरे पास यहाँ पर एक कोई एल्कीन है। देखो एल्कीन की पहचान कैसे करोगे, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन कहलाता है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ से लिख लिया आर सी एच और ये डबल बॉन्ड ये हो गया सी एच टू, ठीक है। देखो इसमें डबल बॉन्ड आया ना, जिसमें डबल बॉन्ड आते हैं वो एल्कीन होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन करना आपको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। जब भी डबल बॉन्ड आए तो उस डबल बॉन्ड को आपको तोड़ना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो जैसे तोड़ूंगा तो ये आर, ये हो गया सी एच और ये हो गया सी एच टू। अब देखो ये जब डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक इनका बॉन्ड और एक इनका बॉन्ड हो गया खाली, कन्फर्म हो। इस खाली बॉन्ड को पूरा करने के लिए हमारे पास है हाइड्रोजन और हैलोजन। अब तुमको करना क्या है कि एक जगह इस हाइड्रोजन को ला के रख देना है और एक जगह हैलोजन के ला के रख देना, कन्फर्म। अब आपको बस ये पता करना है कि कहाँ हम हाइड्रोजन को रखें और कहाँ हम हैलोजन को रखें, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, मैं क्या कहा कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे माइनस वाले को रखा जाएगा, ठीक है। देखो माइनस होता है इसके पास और इसके पास होता है प्लस, तो याद रखना कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे माइनस वाले को रखोगे। तो बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन एक है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो है। इस माइनस वाले को यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, यहाँ रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स को रख दिया और बाकी यहाँ पे एच है इसको मैं यहाँ पे ला के रख दिया, कन्फर्म हो कि नहीं हो। इस नियम को हम कहते हैं मार्कोनी काफ का नियम, याद रखना इस नियम को क्या बोलोगे, मार्कोनी काफ का नियम बोलोगे, कन्फर्म हो कि नहीं हो। अच्छा ये एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, ये हो गया सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड ये हो गया सी एच टू, डबल बॉन्ड है ना, एल्किन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं यहाँ पे रिएक्शन कराता हूँ एच बी आर के साथ, सबसे पहले क्या काम करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे। तो डबल बॉन्ड तोड़ो ना, सी एच थ्री सी एच और ये हो गया सी एच टू, बॉन्ड तोड़ोगे तो किनका बॉन्ड खाली है, किनका बॉन्ड खाली बोलो, इस खाली बॉन्ड के जगह पे कौन जुड़ेगा, एक तो एच आके जुड़ेगा और एक जगह बी आर जुड़ेगा। बताओ बी आर को कहाँ जोड़े, यहाँ ना, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, यहाँ कितने हैं, दो हैं, कम कहाँ, इस वाले कार्बन के पास, इसलिए बी आर के पास होता है माइनस, एच के पास होता है प्लस। तो ये माइनस वाला आके यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा, कन्फर्म हो कि नहीं हो। पर याद रखना ये नियम हर बार सही नहीं होगा, ठीक है। मतलब याद रखना यहाँ पे हर जगह हम आपको मार्कोनी काफ का नियम नहीं बताने वाले हैं, कन्फर्म हो कि नहीं हो, ठीक है। कहीं कहीं मार्कोनी काफ का नियम लगेगा और कहीं कहीं मार्कोनी काफ का नियम नहीं लगने वाला, कन्फर्म हो। अब आपको बड़ी दुविधा हो गई, अरे सर कैसे हम जानेंगे कहाँ मार्कोनी काफ लगाएं और कहाँ मार्कोनी काफ ना लगाएं। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी क्रियाविधि सिखाता हूँ। जब आप इसकी क्रियाविधि सीख लोगे आप पता कर लोगे कि माइनस वाले को लगाना कहाँ है, कन्फर्म ना। चलो आओ देखें इसकी क्रियाविधि। पहले तो जो बात मैंने बताई थी उसको चाहो तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो। मैंने बोला कि जब एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हो तो हेलो एल्केन बनता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण रिएक्शन, ठीक है। चलो हमने बोला इस अभिक्रिया में जो माइनस वाला भाग है, ऋणावेशित भाग है, वो हमेशा उस कार्बन पे जाके आक्रमण करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, और इसी नियम को आप क्या बोलते हो, मार्कोनी काफ का नियम बोलते हो। और हमने ये बोला कि ये जो नियम होगा वो हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है, इस नियम को हमेशा यूज नहीं करना, ठीक है। चलो पहले हम क्या करते हैं,
क्रियाविधि करते हैं। क्रियाविधि से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से कर देता हूँ। देखो इधर, सपोज करो कि मेरे पास ये रिएक्शन है CH3 और ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मान लो ये HCl के साथ रिएक्शन करना है। तो सबसे पहले देखो ये रिएक्शन होता कैसे है। ये देखो, जिसके साथ रिएक्शन कराना है ना, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड, सबसे पहले तुम उसको तोड़ोगे। तो जब सबसे पहले इसको तोड़ोगे तो ये जो HCl है वो टूटेगा तो H+ और क्या देगा Cl-। कन्फर्म? अब होगा क्या कि यहाँ पे जो एल्केन था CH3 CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। ठीक, यहाँ से क्या होगा कि ये जो H+ है, जिसको आप प्रोटॉन भी कहते हो, वो आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे बॉन्ड टूटेगा वैसे यहाँ से देखो क्या हो गया, CH3 CH और ये हो गया CH2। ठीक, अब होगा क्या कि यहाँ पे बॉन्ड खाली है, यहाँ पे बॉन्ड खाली हो गया। अब करना क्या है ना कि एक जगह आपको H जोड़ना है, एक जगह H जोड़ना है और एक जगह प्लस वाले को जोड़ना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे H जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने प्लस वाले को जोड़ दिया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर यह बॉन्ड खाली था, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं H ला के जोड़ता हूँ और यहाँ पे प्लस वाले को जोड़ता हूँ। अब थोड़ी सी कन्फ्यूज आप होगे कि सर कौन सा वाला तरीका सही है। आसान है, देखो कार्बन के ऊपर प्लस आ गया तो क्या बोलते हो, कार्बोधनायन बोलते हो। ये वाला कार्बोधनायन कितने डिग्री का हो गया, ये वाला जो कार्बोधनायन है वो 2 डिग्री का हो गया, और ये वाला कार्बोधनायन कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 3 डिग्री का कार्बोधनायन है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, उससे कम जो होती है वो 2 डिग्री का, और सबसे कम जो होता है वो 1 डिग्री का होता है। इसलिए याद रखना कि कार्बोधनायन जितना ज़्यादा डिग्री में होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी, उसका अस्थायित्व उतने ज़्यादा होगा। कन्फर्म हो कि नहीं हो तो बताओ, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे कितना है, 2 डिग्री है। तो देखो डिग्री जहाँ ज़्यादा होगा ना वही वाला सही होगा। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कम है तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है और ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। कन्फर्म हो ना? इसका मतलब अब करना क्या है कि अब आपको रिएक्शन को इसके द्वारा बढ़ाना है, इसके द्वारा नहीं बढ़ाना। ठीक, अब देखो यहाँ से देखो होगा क्या, रिएक्शन इसके पास प्लस आया, यहाँ पे बताओ ये माइनस है, ये वाला माइनस अब यहाँ पे आएगा और ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस वाले के साथ जुड़ गया। तो ये हो गया CH3 CH और ये मान लो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3 लिख दो और Cl को लाके यहाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर तुम मार्कोनिकाफ का नियम का यूज करते, मार्कोनिकाफ यहाँ देखो, तो मार्कोनिकाफ का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकाफ का नियम यही कहता है कि पहले तो बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो और बॉन्ड तोड़ के एक एक बॉन्ड खाली करो और इस माइनस वाले को वहाँ ला के जोड़ो जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो हाइड्रोजन यहीं कम है तो इसलिए माइनस वाले को यहाँ जोड़ दो और H को यहाँ जोड़ोगे। बोलोगे कह रहे सर मार्कोनिकाफ के नियम से भी ये सही आ रहा है और इस मैकेनिज्म के नियम से भी ये सही आ रहा है, कन्फर्म हो कि नहीं? और अभी आप बोले हैं कह रहे ये मार्कोनिकाफ का नियम हर जगह सही नहीं होगा। ठीक है, सब्र करो, पता चल जाएगा अभी। कन्फर्म हो कि नहीं हो? तो मार्कोनिकाफ का नियम यहाँ पे लग रहा है, मार्कोनिकाफ रूल यहाँ पे लगा है। कन्फर्म हो के नहीं हो? चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या हर बार मार्कोनिकाफ का नियम सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ और एग्जांपल्स देखने होंगे। ठीक, और देखते हैं एग्जांपल्स। ये समझ गए होगे मेरे ख्याल से, चाहो तो आप इसकी कॉपी भी कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एल्किन है, इसका रिएक्शन HBr के साथ करना है। तो सबसे पहले करना क्या है ना कि मैं तुमको डायरेक्ट तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले करो क्या कि देखो इसमें से ये जो है ना वो ये क्या देगा, H+ देगा। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत तुम H+ से करोगे। करना क्या है कि तुमको एक बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है, CH3 C, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2। अब एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड तोड़ने के बाद तुम क्या करोगे, एक जगह H दे दोगे, बॉन्ड तोड़ोगे तो एक जगह H दे दोगे और एक जगह क्या दे दोगे, प्लस दे दोगे। बताओ अगर मैं प्लस यहाँ दूंगा तो ये 1 डिग्री होगा, मज़ा नहीं आएगा।
अगर मान लो प्लस को मैं यहाँ दे दूंगा तो ये कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया, डिग्री बढ़ गया ना। इसका मतलब यहाँ पे प्लस ना देने के बजाय तुम यहाँ प्लस दे दो, डिग्री बढ़ गया। ये देखोगे ये जो कार्बोधनायन है कितने डिग्री से बढ़ गया, कितने डिग्री का है, 3 डिग्री, क्योंकि 1, 2, 3 कार्बन इससे जुड़े हुए हैं। अब इसका मतलब यहाँ से क्या जोड़ोगे, H जोड़ोगे, कन्फर्म हो कि नहीं हो। अब क्या करो, अब तुम क्या करोगे कि यहाँ पे ये जो Br- है उसको लेके आओ और इस Br- को इस प्लस वाले के साथ जोड़ दो, तो ये हो गया CH3, यहाँ भी CH3 है और यहाँ पर Br- हो गया, ठीक है। मार्कोनी का रूल लगा के देखो, यहाँ पे हो गया CH3, ये बताओ C, और यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ बताओ CH2, यहाँ बॉन्ड खाली, यहाँ बॉन्ड खाली। नियम क्या कहता है, माइनस वाले को कहाँ ला के जोड़ना है, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो इस Br- को कहाँ ला के जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे और H को ला के यहाँ जोड़ोगे। मतलब मार्कोनी काफ रूल यहाँ पे लग रहा है, मार्कोनी काफ का नियम यहाँ अभी लगा है, कन्फर्म हो ना, इतनी बात कन्फर्म हो। चलो और देखें ये वाला एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले काम क्या है तुम्हारा, सबसे पहले काम ये है कि यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, CH3 CH, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH, बोलो यहाँ से लिख लिए CH2, एक बॉन्ड इनका खाली, एक बॉन्ड इनका खाली, ये बताओगे ये क्या देगा, ये H+ देगा। अब तुमको बताओ इसी H+ को लाके यहाँ जोड़ना है, एक जगह H जोड़ोगे और एक जगह क्या जोड़ोगे, प्लस वाले को जोड़ोगे, बताओ। सपोज करो कि अगर प्लस हम यहाँ दे देंगे तो कितना हो गया, 1 डिग्री, नहीं मज़ा आया। अगर प्लस यहाँ दे दोगे तो 2 डिग्री, मज़ा आ गया। इसका मतलब यहाँ प्लस जोड़ दो और यहाँ पे क्या जोड़ दे, H जोड़ दो। अच्छा अब देखो, अगर तुम यहाँ पे प्लस जोड़ रहे हो तो क्या इसके बगल में देखो, क्या अगर हम इसकी डिग्री को और बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? अब आपको ये देखना है, इस प्लस को आगे पीछे खसका के तुम इसकी डिग्री को बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते। अगर ये प्लस मान लो मेरा यहाँ आ जाए, ये वाला प्लस यहाँ हो जाए, तो बताओ ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि प्लस अगर यहाँ आएगा तो ये वाला कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ गया, तो जब 3 कार्बन से जुड़ गया तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये वाला 2 डिग्री है, और अगर ये प्लस यहाँ आ जाएगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री। तो इसका मतलब क्या करो ना, इस प्लस वाले को आगे खसका लो। तो प्लस वाले खसकता कैसे है, प्लस वाले को खसकाओगे और इसका हाइड्रोजन को यहाँ भेज दोगे, जहाँ से प्लस भेजते हैं उसको एक हाइड्रोजन हम शिफ्ट कर देते हैं, कन्फर्म हो कि नहीं हो। तो अब देखो ये हो गया CH3, ये CH3 CH, और ये मान लो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, क्या लिख लोगे, CH3। इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ भेजोगे और प्लस वाले को यहाँ भेजोगे, कन्फर्म हो कि नहीं हो। अब बताओ, अब क्या है कि ये माइनस वाला है, Cl- वाला, तो Cl- वाले को लेके आओ और उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट कराओ। Cl इस प्लस वाले के साथ जुड़ेगा तो CH3 CH3 CH2, और ये हो गया CH3। इस माइनस Cl को यहाँ पे लाके भेज दो, कन्फर्म हो कि नहीं हो, इतनी बात कन्फर्म। अब देखो कि क्या मार्कोनी काफ के नियम से भी यही आ रहा है क्या, ठीक है। मार्कोनी काफ का नियम अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें तो देखो क्या हो गया, CH3 CH, ये हो गया CH3 CH, और ये हो गया CH2, एक इनका बॉन्ड खाली, एक इनका बॉन्ड खाली। तो नियम तो यही कहता है कि जिसके जो माइनस वाला है वो कम हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा, मतलब ये Cl को तुम यहाँ पे ला के जोड़ोगे और H को यहाँ पे ला के जोड़ोगे। क्या ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट एक ही है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे मार्कोनी काफ का रूल नहीं लगा है, कन्फर्म हो कि नहीं। तो मैंने बोला ना कि हर बार मार्कोनी काफ का नियम लगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए याद रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बिना इसकी मैकेनिज, बिना इसकी क्रियाविधि का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व ना करें आप। और मेरे ख्याल से ये जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, आप बड़ी आसानी से कर लोगे यार, कन्फर्म हो ना। चलो इतनी बात कन्फर्म है। और एग्जाम्पल कुछ देखें आओ, देखो एक एग्जाम्पल ये है। सबसे पहले क्या काम करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, CH3 CH3
CH3, CH और CH2, एक इनका बॉन्ड खाली, एक इनका बॉन्ड खाली। यहाँ से ये जो H है वो H प्लस देगा। बताओ अगर प्लस को जोड़ना है तो जाहिर सी बात है प्लस यहाँ जोड़ोगे और यहाँ पे क्या जोड़ोगे, H जोड़ोगे। अब तुम एक बात बताओ, बात ये बताना है तुमको कि अगर मान लो इस प्लस वाले को आगे पीछे करके डिग्री बढ़ा लें तो अच्छी बात है ना। जैसे ये प्लस वाले कितने डिग्री से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से। अगर ये प्लस वाला यहाँ पे आ जाए तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का। तो हमने बोला ना कि अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री से अच्छा कितना कौन होता है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री से अच्छा कौन होता है, 3 डिग्री। इसका मतलब इस प्लस वाले को अगर यहाँ शिफ्ट करना है तो देखो कैसे शिफ्ट होगा। देखो यहाँ पे तो एच है नहीं, केवल पर्टिकुलर एच है नहीं, प्लस को यहाँ ले के आओगे तो यहाँ से एच देना पड़ेगा, पर इसके पास तो एच है ही नहीं। तो जब एच नहीं है तो इसमें से पूरा किसी एक ग्रुप को ही शिफ्ट कर दो, मतलब इसमें से जो CH3 है ना, CH3 इसी ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और प्लस वाले को उठा के यहाँ कर दो। मतलब ये जो CH3 है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, इसके पास। तो बताओ अब यहाँ से क्या हो गया, CH3 यहाँ से हो गया, ये याद रखो CH, और ये हो गया CH3। इस पूरे CH3 को हम कहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं, यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब ये जो प्लस है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो प्लस कितने डिग्री का हो गया, ये कार्बन देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री ये हो गया और 3 डिग्री हो गया। अब क्या करो, ये जो माइनस है आई, उस माइनस को ला के जोड़ दो यहाँ पे। तो ये हो गया CH3 और यहाँ पे क्या हो गया आई, कन्फर्म। जरा मार्कोनी का रूल लगा के देखो, यही आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। आओ देखें, देखो CH3 ये हो गया CH3 CH और CH2, ये बॉन्ड खाली, ये बॉन्ड खाली। इस माइनस वाले को कहाँ ला के जोड़ोगे, यहाँ पर, और H को यहाँ पे लाके जोड़ोगे। क्या ये वाला प्रोडक्ट एक ही है, नहीं है, बहुत अंतर है, कन्फर्म हो ना। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि मार्कोनी काप का नियम नहीं लगाना यार, तुम केवल क्रियाविधि कर लो और क्रियाविधि से उत्पाद लिख लो, ठीक है। आसान है ना कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो पहला मेथड तो सीख गया, हो गया, दूसरा मेथड भी सीख लो। जब एल्किन की अभिक्रिया किससे करने है, हैलोजन के साथ, ठीक है, आओ। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला था, जो अभी नियम पढ़ रहे हो ना, ये नियम जो पढ़े हो कि अगर एल्किन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करानी हो तो माइनस वाले को वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, लेकिन अगर रिएक्शन में गलती से परऑक्साइड लिख दे, तो गलती से जब परऑक्साइड लिख देगा तो ये जो मार्कोनी काप का जो नियम है ना पूरा उल्टा होने लगेगा, कन्फर्म हो ना। इस नियम को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी काप रूल, मतलब मार्कोनी काप का विपरीत नियम, और इस नियम को हम कहते हैं खरास प्रभाव, और इस नियम को हम कहते हैं परऑक्साइड प्रभाव, कन्फर्म है ना। तो तीन नाम से जानोगे, एक तो मार्कोनी काप का विपरीत नियम, एक तो जानोगे खरास प्रभाव, और एक जानोगे परऑक्साइड प्रभाव, कन्फर्म हो ना। पर याद रखना ये जो विपरीत नियम है मार्कोनी काप का या खरास प्रभाव है वो केवल HBr के लिए लगता है, HCl, HF और HI के लिए नहीं लगता, केवल और केवल किसके लिए होगा, HBr के लिए लगेगा, कन्फर्म हो ना। तो ये बात आप पढ़ भी सकते हो कि अगर परऑक्साइड उपस्थित है तो ये जो HBr है एल्किन के साथ रिएक्शन करेगा और Br- माइनस वहाँ जुटेगा जहाँ पर कार्बन की संख्या, जो कार्बन है वो ज़्यादा हाइड्रोजन से जुड़ा होगा वहीं पे Br- माइनस जुड़ेगा, कन्फर्म है ना। और ये सिर्फ किसके, देखो इस नियम को क्या कहते हो, खरास का प्रभाव कहते हो या परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हो, पर याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा, HBr पे लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स मान लो, ये मान लो तुम्हारे सामने एग्जांपल्स है, यहाँ परऑक्साइड लिख दिया। अच्छा पहली बात तो परऑक्साइड का मतलब समझ लो कि अगर दो ऑक्सीजन एक साथ हैं, दो ऑक्सीजन एक साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसी को हम कहते हैं, देखो ये वाला है ना, इसी को हम बोलेंगे परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या R2O2, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, ये R है, ये O, ये O और यहाँ भी R,
तो देखोगे दो ऑक्सीजन एक साथ है ना, और वो भी सिंगल बॉन्ड से, तो इसमें परऑक्साइड हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे देखो ये इसको पढ़ते हो H2O2, तो H2O2 को भी देख लो HOO और H, तो ये भी क्या हो गया, परऑक्साइड हो गया। कन्फर्म हो कि नहीं हो? तो यहाँ पे देखो परऑक्साइड लिखा है ना, तो परऑक्साइड लिखा है तो मार्कोनिकाव का विपरीत नियम लगा लो। अब यहाँ से बताओ क्या लिखोगे, CH3CH और ये हो गया CH2। एक बॉन्ड जैसे एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक इनका बॉन्ड खाली, एक इनका बॉन्ड खाली। मार्कोनिकाव के विपरीत नियम में क्या कहता है कि माइनस वाले को वहाँ ला के जोड़ो जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर एक है, मतलब जो तुम्हारा बी आर है वो यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, एच। पर याद रखना ये किसके साथ है, परऑक्साइड के साथ है, कन्फर्म हो ना। और एक बात और याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, HBr के लिए वैलिड है, HCl, HF और HI के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रिएक्शन आपको कंप्लीट करके यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। ये HCl दिया हुआ है, तो HCl दिया हुआ है तो इसको पहले तोड़ो, तो CH3CH और CH2 बॉन्ड खाली। यहाँ पे तुम इसकी क्रियाविधि करोगे तब भी वही आएगा, मार्कोनिकाव नियम लगाओगे तब भी वही आएगा, प्रैक्टिस कर लेना। बताओ तुमको H को यहाँ ला के जोड़ना है, Cl को यहाँ जोड़ना है, कन्फर्म हो? अब यहाँ से बताओ ये जो HCl है और यहाँ पे इसने लिख दिया परऑक्साइड, मैंने बोला ना कि परऑक्साइड का इफेक्ट HCl के ऊपर नहीं पड़ने वाला, मतलब जैसे ये तुम किए हो ना उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो ये हो गया CH3CH और CH2, एक इनका बॉन्ड खाली, एक इनका बॉन्ड खाली। यहाँ पे Cl ला के जोड़ दो, यहाँ पे H ला के जोड़ दो, परऑक्साइड HCl के ऊपर वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे देखें तो CH3CH CH2, इनका बॉन्ड खाली, इनका बॉन्ड खाली, Br के पास क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ पे आके जुड़ेगा और इसके पास H, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नियम लगने वाला है, मार्कोनिकाव का नियम लगने वाला है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर परऑक्साइड दे दिया, तो जब परऑक्साइड दे देगा और HBr है तो यहाँ पे विपरीत नियम लगने वाला है। तो विपरीत नियम लगाओगे तो यहाँ बॉन्ड खाली, यहाँ बॉन्ड खाली। अब बताओ इस माइनस वाले को कहाँ ला के जोड़ें, अब यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर H। तो ऊपर के जो दो रिएक्शन थे वो सेम प्रोडक्ट बनाए, लेकिन नीचे के जो दो रिएक्शन है वो क्या बनाए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं, कन्फर्म हो ना, इतनी बात तो समझ रहे होगे। चलो ये बात तो सीख गए, आओ अगला देखते हैं। अब देखो अगर मान लो मेरे पास कोई एल्किन है RCH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड है तो एल्किन है, इसका रिएक्शन मान लो हमको हैलोजन के साथ करना है, तो जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बताओ क्या हो गया, RCH और ये CH2। एक बॉन्ड तोड़ोगे तो इनका बॉन्ड खाली, इनका बॉन्ड खाली। तुम्हारे पास दो हैलोजन हैं, एक हैलोजन को यहाँ जोड़ दो, एक हैलोजन के यहाँ जोड़ दो। तो जब दो हैलोजन एक साथ जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हो, सॉरी दो हैलोजन जब जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलोगे, डाई हैलाइड। और ये जो दोनों हैलोजन हैं वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं इसलिए इसको बोलेंगे विस डाई हैलाइड, कन्फर्म हो ना। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मान लो मैंने लिख लिया Cl2, तो बताओ यहाँ से क्या होने वाला, CH3CH और ये हो गया CH2, यहाँ बॉन्ड खाली, यहाँ बॉन्ड खाली, एक Cl को यहाँ ला के जोड़ दो, एक Cl को यहाँ ला के जोड़ दो, आसान है कि नहीं आसान है। चलो अब देखो सपोज करो कि अगर मैं ऐसे रिएक्शन लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन है और यहाँ पे मैंने लिख दिया Br2, तो जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन ये लाल और भूरे रंग का होता है, ठीक। अगर ये जब रिएक्शन होगा तो जब रिएक्शन होगा तो देखो रिएक्शन कैसे होगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इनका खाली, एक बॉन्ड इनका खाली, इस Br को यहाँ जोड़ दो और एक Br यहाँ जोड़ दो। जैसे जब ये रिएक्शन होगा ना तो ये जो ब्रोमीन का लाल और भूरा रंग था वो धीरे धीरे गायब हो गया, मतलब ये जो हो गया वो रंगहीन हो गया। इसका मतलब ब्रोमीन का जो यूज है, ठीक है,
वो याद रखना, वो जितने भी असंतृप्त यौगिक होते हैं, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त मतलब हो गया जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो जितने भी असंतृप्त यौगिक होते हैं, अगर वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो ब्रोमीन क्या करता है, अपने रंग को परिवर्तित करने लगता है। इसीलिए ब्रोमीन का जो यूज है वो असंतृप्तता के परीक्षण में किया जाता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यौगिक की पहचान करने में किया जाता है। कन्फर्म हो कि नहीं हो तो देख लो कि ब्रोमीन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल भूरे रंग का होता है, और जब किसी असंतृप्त यौगिक से अभिक्रिया करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। इस परीक्षण को हम क्या कहते हैं, असंतृप्तता का परीक्षण कहते हैं। कन्फर्म हो कि नहीं हो, इतनी बात समझ गए ना। चलो, आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगली क्लास में कुछ और ढेर सारी हम बातें लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।